स्टूडेंट्स हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी अच्छी रही होगी अब बस आपको काम को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज और प्लान वे में करना है समझ के करना है डाउट्स क्लियर करिए अपने ग्रुप में अपने टीचर से क्वेश्चन रेज करिए और देखना आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग तो ये सब्जेक्ट है ही आज हम ले रहे हैं चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्वेल्थ फिजिक्स एंड टॉपिक्स ऑफ टूडे आर ए सी एंड एनर्जी एंड इंड लेट स्टार्ट आज का टॉपिक पढ़ने से पहले स्टूडेंट यहां पर हम थोड़ी सी फिजिक्स स्टडी करेंगे आज के टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं इस में. तो, हमने डिफाइन किया भी है लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे पूछे वाई वी आर स्टडी दिस टॉपिक वॉट इज इट्स एप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ तो अगर हम इन क्वेश्चन के आंसर निकाले स्टूडेंट्स तो हमें पता चलेगा कि हमारा सिग्निफिकेंस क्या है जो हम स्टडी कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में तो आप सोचिए एम आई की वजह से स्टूडेंट्स अगर आप मैं बात करूं आपके घर की आप सोच के देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंस यूज होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रिज फैन इलेक्ट्रिक आयरन और इस तरह से बहुत सारे डिवाइस तो स्टूडेंट्स अगर ये डिवाइस ये आप यूज कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको कहां से मिल रही है स्टूडेंट्स वो जो मशीन जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको जनरेट करके दे रहा है उसी को हम कहते हैं जनरेटर एसी जनरेटर डीसी जनरेटर दोनों होते हैं लेकिन अगर हम घर की बात कर रहे हैं होम डोमेस्टिक सप्लाई में वहाँ पे जनरेटर उसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं तो students, सोच के देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमें पता चल जाएगा कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है तो कहाँ से और कैसे कौन सा डिवाइस है या मशीन है और एसी जनरेटर स्टूडेंट्स आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम पे आपने पढ़ा पढ़ाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम जहाँ पे वे वाटर को डैम बनाए जाते हैं और वॉटर को एक हाई हाइट से नीचे गिराते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और उससे टरबाइन चलाते हैं जनरेटर चलते हैं और हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर चेंज करता है थर्मल पावर प्लांट में जो थर्मल एनर्जी होती है यानी कि स्टीम एनर्जी कोल को जलाते हैं हम फ्यूल को उसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और स्टीम से स्टीम इंजन चलाते हैं जिससे हमारे जनरेटर चलते हैं और जनरेटर फिर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करके देते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे यही काम न्यूक्लियर एनर्जी करती है जनरेटर को चलाने का और जनरेटर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं जनरेट करके देते हैं तो यही डिवाइस इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस इसके बिना आप सोच के देखिए हमारा काम मुश्किल से चलेगा क्योंकि हमारे जो अप्लाइंसेज हैं घर के वो काम नहीं करेंगे आप इमेजिन करके देखिए, अगर ये सारे जो डिवाइसेज हैं आपके घर के ये काम करना इनको एनर्जी ना मिले इलेक्ट्रिक एनर्जी ना मिले तो क्या पॉसिबल है आपका रहना आज की लाइफ में तो आप देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है उसको जनरेट करने वाली मशीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग एसी जनरेटर तो स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ सकते हैं वॉट इज एसी जनरेटर जेनरेटर तो आपका आंसर क्या होना चाहिए एसी जनरेटर ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटर और डायनोमो भी इसे कहते हैं इज ए मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वो मशीन है या डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करता है प्रिंसिपल क्या है ई एम आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस यानी कि आप कह सकते हो द फेनोमिना ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन इज एक्सप्लोइटेड इन इट टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी हम ई वाले फन हमारे जो हमने प्रिंसिपनों में पढ़ा है उसको यहां पे हम एक्सप्लोइ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे फॉर आवर यूज क्लियर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये जनरेटर का आपका कंस्ट्रक्शन हुआ कोई आपसे पूछे इसके मेन है स्टूडेंट्स तो मेन कंपोनेंट्स आपने देखे यहाँ पे एक क्वायल होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं स्टूडेंट्स अगर मैं इसको नाम दू यहाँ पे ए बी सी डी से हम इसको रेक्टेंगुलर क्वायल है आर्मीचर कहते हैं हम इसे और यू कैन से आर्मीचर क्वायल ए बी सी डी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर एक सोफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये कॉपर uh, वायर uh, इसके ऊपर वाउंड होता है स्टूडेंट्स जिसको हम आर्मेचर कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट ये स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रो मैग्नेट हुउथ पोल आर सिलेंड्रिकल इनशेप यूज एज ए फील्ड मैग्नेट यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइडेड बाई द फील्ड मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होगा हमारी एक्सिस ऑफ रोटिशन ऑफ द क्वाइलचर के बाद हमारे पास स्लिप रिंग्स होती है और स्लिप रिंग्स यहां पर देखने आपने दो है आपको एक को नाम दे सकते हैं एस वन एक को नाम दे सकते हो एस टू ये आर वन आर टू दे सकते हैं रिंग्स हैं और इनका क्या काम है स्टूडेंट्स आप कह सकते हो द टू एंड्स ऑफ द क्वायल आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लिप रिंग्स आर वन एंड आर टू दीज रिंग्स रोटेट अलोंग विद द क्वाइल ये रिंग क्वाइल के साथ रोटेट करती हैं आपकी क्वाइल रोटेट करेंगे तो इनसे आपका क्वाइल का एक एंड का जैसे बी से जो कनेक्टेड एंड है वो आर वन रिंग से अटैच रहेगा हमेशा घूमते हुए और जो आपका सी जो आपने यहाँ पे पार्ट दिया है नाम दिया है ये एंड जो है आर टू रिंग से कनेक्ट रहेगा जब भी आपकी क्वाइल रोटेट करेगी यहाँ पे हमने जो एक हैंडल दिखाया है, स्टूडेंट ये एक सिंबॉलिकल है हाथ से हम जनरली कमी चलाने वाले जनरेटर आप यूज करेंगे क्योंकि इतनी स्पीड आप नहीं दे पाएंगे लेकिन किसी भी तरीके से एक्सटर्नल एजेंट इसको क्वायल को रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में और उसका जो प्रिंसिपल है वो अभी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट कार्बन ब्रशिज है ये देखिए कार्बन ब्रशिज जो यहां पे अटैच रहते हैं आपकी रिंग के साथ रिंग आर वन के साथ हमेशा एक आप कह सकते हो बी वन ब्रश अटैच रहेगा कार्बन ब्रश और आर टू रिंग के साथ बी टू तो द कार्बन ब्रशिज बी वन एंड बी टू आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स द ब्रशिज रिमेन फिक्स्ड वाइल्ड स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर क्वाइल ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड थ्रू विच द आउटपुट इज ऑबटेन्ड तो स्टूडेंट यहां पर जो हमने ये अरेंजमेंट लिया है जो आर्मेचर क्वल है इसका एक एरिया होगा यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड भी यूज किया है और जब आप इस क्वाइल को रोटेट करा रहे हो तो इसका जो इसका एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम थीटा कहेंगे और जब हम इसे रोटेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से मान लीजिए तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी तो स्टूडेंट जो फ्लक्स होगा आपका पासिंग थ्रू द क्वाइल तो वो दैट विल बी आपको पता ही है गिवन बाई बी डॉट ए और अगर हम वेक्टर फॉर्म है डॉट प्रोडक्ट को अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं इसका एक्सपेंशन होगा बी ए कोस थीटा और स्टूडेंट यू कैन राइट बी ए टी तो हमारा जो डिवाइस है स्टूडेंट्स, इसमें हमें करंट मिल सके आउटपुट सर्किट में तो इसके लिए हमारा डेल्टा फाइव को चेंज करने के लिए स्टूडेंट आप बी को चेंज कर सकते हैं ए को चेंज कर सकते हैं लेकिन इस केस में ना तो हमारा बी चेंज होगा यूनिफॉर्म फील्ड रखा है ना हमारा आर्मेचर का एरिया चेंज होगा इसका मतलब हम चेंज करेंगे यहां पे थी थीटा को लगातार इसको रोटेट करा के और, और देन की थीटा इक्वल टू ओमेगा ओमेगा टी टी पे एंगुलर वेलोसिटी जो आप दोगे इसको रोटेट कराते हुए इंस्टेंट पे, थीटा टी का है। तो जब आपका थीटा के साथ है, क्योंकि थीटा तो थीटा चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा और आपके सिस्टम में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ जनरेटर स्टूडेंट वर्किंग के लिए हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम हमने दो बनाए हैं ध्यान से देखना थोड़ा सा यहाँ पे हमें करेक्शन भी करना है स्टूडेंट ये डायग्राम है इसमें हम साउथ पोल की जगह यहाँ नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर लीजिए और अब आप इसको समझिए स्टूडेंट यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हैं फिगर ए और बी ये फर्स्ट हाफ साइकिल जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं अपने क्वाइल को तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पहली डायग्राम है और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए सेकेंड डायग्राम से हम समझेंगे तो ध्यान से देखने जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं मैं नीचे से अगर आपको देखते हो आप नीचे की तरफ है और ये रोटेट कर रहा है क्लोक आपके लिए यानी कि ए बी आर्म आपकी तरफ को आ रहा है और सी डी आर्म जो आर्मेचर का है वो अंदर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखने फर्स्ट हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकल रोटेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स ए बी आर्म ऊपर आ रहा है सी डी आर्म नीचे जा रहा है तो अगर मैं फ्लैमिंग राइट हैंड रूल लगाता हूं ए बी आर्म के लिए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर रखेंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट ए और जो मैं आपका आर्म ए बी ऊपर आ रहा है उस डायरेक्शन में थम रखेंगे तो जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब आपकी जो क्वाल है उसके ए बी पार्ट में करंट जा रही है ए टू बी और इसी तरह से अगर आप राइट हैंड थम रूल से इंड्यूस करंट के डायरेक्शन सी डी आर में देखते हैं तो वो सी टू डी जा रही है तो आपकी जो आर्मेचर है एबीसीडी उसमें करंट फ्लो कर रही है फर्स्ट हाफ साइकिल में स्टूडेंट्स एबीसीडी और एबीसीडी का बाहर देखिए आउटर सर्किट में स्टूडेंट्स ए पार्ट जो आपकी आर्मेचर का है वो हमेशा अटैच रहेगा बी वन आर वन रिंग से आर वन रिंग है बी वन ब्रश से अटैच और जो आपका डी पार्ट है डी जो आपका सी डी वाली आर्म है उसका डी जो एंड है वो बी टू आर टू रिंग से और बी टू ब्रश से अटैच रहेगा इस तरह से तो जब आपकी करंट जा रही ए टू बी सी टू डी तो स्टूडेंट यहां पे देखे आपके आउटर सर्किट में करंट के डायरेक्शन क्या होगी ए टू बी सी टू डी तो डी की तरफ से करंट आएगी बी आर टू रिंग के थ्रू बी टू ब्रश के थ्रू एंटर करेगी सर्किट में और ये आपको दिखाई दे रहा है आपकी जो बाहर वाले सर्किट में करंट जा रही है वो जा रही है बी टू से स्टार्ट होके और आर रेजिस्टेंस के थ्रू बी वन में तो इस तरह से आपके आउटर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन हुई आउटर सर्किट यहां हमारा जो इसमें आपकी जा रही है आउटपुट जो हमारे हमें मिल रही है आउटपुट कह सकते हो आप इसे ये हो गया आपको B2 टू आर के थ्रू जाते हुए B1 में क्लियर है तो अब सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे स्टूडेंट्स जब आपका हाफ साइकिल रोटेट कर चुकी है आपकी क्वाइल तो आप देखिए उस केस में आपका जो सी डी आर्म है वो लेफ्ट में आ गया है ए बी आर राइट में चला गया है और वही रोटेशन आप करा रहे हो यानी कि सी डी आर्म बाहर आएगा ए बी आर्म अंदर जाएगा तो उस हिसाब से अगर मैं फ्लैमिंग राइट हैंड रूल फिर अप्लाई करता हूँ सी डी आर्म के लिए तो यहाँ पे सी डी आर्म में करंट जाएगी ऊपर की तरफ यानी कि डी टू सी और जो आपका ए बी आर है उसी तरह से आप अप्लाई करिए तो बी टू ए तो बस सिंपल जो पहले आप साइकिल में जहां ए बी था वहां डी सी आ गया और जहां सी डी था वहां बी ए आ गया बस यही चीज है और अगर बाहर अब आउटपुट की बात करूं आउटर सर्किट की बात करें उसमें करंट जो हमें आउटपुट मिल रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स तो देखिए करंट आ रही है डी से यहाँ पे स्टार्ट करके इस तरह से करंट फ्लो कर रही है बी टू ए आ रही है और एंड जो है आपका आर वन रिंग से ही अटैच रहेगा ये जब भी रोटेट करते हुए फर्स्ट आप साइकिल में बीसी से अटैच था आर वन रिंग आपकी बी वन ब्रश से अटैच है तो इस बार करंट आपका ए से आर वन के थ्रू बी वन में से जाएगा और रजिस्टेंस के थ्रू होते हुए फिर यह बी टू में पहुंचेगा तो आपके आउटर सर्किट में जो इस बार करंट के डायरेक्शन चेंज हो गए स्टूडेंट दैट इज बी वन से एंटर करेगी आपके करंट रजिस्टेंस के थ्रू जाएगी और बी टू से ये फिर दोबारा आपके क्वायल में जाएगी तो इस तरह से आउटर सर्किट में हमें हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज मिलेगी स्टूडेंट्स क्लियर है तो आप कह सकते हो वर्किंग की अगर हम यहां बात करते हैं यह आपने समझ लिया है कि क्वल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं शॉर्ट में कहूं कॉयल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉयल आपकी रोटेट कर रही है स्टूडेंट्स तो क्या होगा आपने पढ़ा है इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा आपका यानी कि डेल्टा फाइव और आपको पता है अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कोई वैल्यू होगी और दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ इन द सर्किट तो आपकी जो आउटर सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट जिसकी वजह से हमें एक करंट अगर क्लोज सर्किट में हमने आउटर सर्किट को क्लोज लिया है तो हमें यहाँ पे इंड्यूस करंट मिलेगी तो करंट इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी और नेक्स्ट हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में तो इसको समझने वाली बात है ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टडी करेंगे हम स्टूडेंट थ्योरी और इसके लिए ये डायग्राम हमने जो पीछे वाले पेज पे स्टडी किया था उसी चीज को हम यहाँ दोबारा देख रहे हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ करेक्शन किया था नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड में साउथ पोल हमने राइट right में लिया और यहाँ पे भी तो जब आपकी क्वाइल रोटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इसकी थ्योरी हम स्टडी करेंगे किसी इंस्टेंट पे आपके सर्किट में आ, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा आर्मेचर क्वेल से और उस इंस्टेंट पे कितना हो रहा होगा हमारे आउटर सर्किट में तो यहां हम देख सकते हैं स्टूडेंट मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स मैग्नेटिक्ल इज गिवेन बाई बी डॉट ए फाइव बीज इक्वल टू बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस्ट थीटा और यू नो द एंगल थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ द आर्मेचर Well, और यहाँ पे जब अगर आपकी आर्मेचर क्वल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे स्टूडेंट्स तो इन प्लेस ऑफ थीटा यू कैन राइट ओमेगा टी तो दिस इज द आर्मेचर क्वाइल और जब आपकी क्वाइल रोटेट कर रहे स्टूडेंट्स लगातार वेन क्वाइल रोटेट कॉन्टिन्यूसली रोटेट कॉन्टिन्यूसलीन induced EMF is in the circuit is given by according to Faraday's law E is equal to हमने पढ़ा था minus d by dt of phi b और यहाँ पे number of turns आपकी coil में अगर n है तो यहाँ पे n से आप multiply करेंगे और minus n d by dt phi b किसी instant पे flux आपने ऊपर पढ़ा है डिफरेंशिएशन so, करेंगे तो एन बी और ए कॉन्स्टेंट है D by D t of cos omega t. और आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे मैथमेटिक्स है सिंपल एन बी ए और यह आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा यू कैन राइट एन बी एमेगा साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा और माइनस भी आएगा तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा यू विल गेट द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सर्किट विल बी गिवन बाय एट एन इंस्टेंट टी बाय द इक्वेशन वन तो ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ये समझ आने वाली बात है स्टूडेंट और जब आपकी क्वाल रोटेट कर रहे स्टूडेंट तो किसी मोमेंट पे टी पे डिपेंड करेगा आपके सर्किट में कितना ई एम एफ है तो यहाँ नीचे ग्राफ देखे अगर हम ग्राफ बनाते हैं ई एम एफ में और टाइम में यहाँ पे ई एम एफ लिया है हमने वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है तो आप देखिए इस तरह से साइनोसोडियल चेंज होगा आपके ई एम एफ में ये वाला ग्राफ बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि पहले वाली जो ऊपर हमने दिखाया है क्वाइल की पोजिशन जब आपके सर्किट में टाइम जीरो पे एंगल जीरो होगा इसका मतलब उस टाइम पे आपकी जो क्वाइल है उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट लिया है और जो आपकी क्वाइल है उसका एरिया वेक्टर भी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा फर्स्ट केस में आप देखिए सेकेंड केस में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब आपका जो एरिया वैक्टर है वो नाइन्टी डिग्री एंगल बनाएगा आर्मेचर uh, कोयल का एरिया का जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएगा तो आपके सर्किट में अगर इक्वेशन ए में हम वैल्यू रखेंगे ओमेगा टी की जगह यानी कि थीटा की जगह 90 डिग्री तो यू विल गेट द मैक्सिमम ई एम एफ दैट इज एन बी एमेगा और वो केस होगा आपका यहाँ इसी तरह से हम डिफरेंट एंगल पे देख सकते हैं कि हमारी जब क्वेल रोटेट कर रही है तो उस टाइम पे आपके सर्किट में उस इंस्टेंट पे कितना ई एम एफ होगा आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे हमने फाइव पोजिशन दिखाई है क्लियर है और जब आपका ई एम एफ ये हो गया स्टूडेंट तो आपको पता ही है यहाँ पे जब मैक्सिम ई एम एफ कितना होगा यानी कि जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा यानी कि साइन विल टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज प्लस माइनस वन देन ई विल बी गिवन बाय, ई विल बी मैक्सिमम एंड कैन बी रिटर्न एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी रिटर्न एज ई इज इक्वल टू एन बी इक्वेशन वन एन बी एमेगा और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम इसे ई नोट से डिनोट करेंगे मैग्निट्यूड ऑफ मैक्सिमम ई एम एफ इन द सर्किट क्लियर है और स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन वन और टू से इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं वन एंड टू तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी तो दिस इज द इंड्यूज ई एम एफ इन योर आउटर सर्किट आउटपुट जो आपकी वेव फॉर्म होगी वो आपने दिखाया है यहाँ पे ग्राफ में और अगर आपको कोई कहे कि आपका रेजिस्टिव सर्किट लिया है आपने स्टूडेंट तो यहाँ पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस ई एम की वैल्यू तो इक्वेशन थ्री से आप पता करेंगे और इसी तरह से अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आपके सर्किट में पता करें तो दैट अपॉन आर और ई नॉट अपॉन आर को आप लिखेंगे मैक्सिमम करंट तो आपका करंट का एक्सप्रेशन भी हो गया आई इज इकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्लियर है तो आपके सर्किट में ये आपको करंट मिलेगी इसका भी वेरिएशन साइनोसोडियल होगा और अगर कोई कहेगी इसका ग्राफ बनाइए तो करंट का ग्राफ भी स्टूडेंट हम इसी के ग्राफ के इंड्यूस्ड अगर यहीं पे हम करंट भी दिखाएं, और तो हमारा करंट का ग्राफ भी इसी के साथ जाएगा ग्राफ के साइनोसोडियल चेंज होगा और इस तरह का जब करंट होती है द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज पीरियडिकली एंड देर फोर द करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट तो यहाँ पे करंट जो होगी हमारी वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगी आप सिंपल दोल्टेज और इन द फॉर्म ऑफ साइन कर वी कॉल दिस एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्ट में ए सी लिखते हैं स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको समझ के देखिए ये बड़ा आसान है और एक्साइटिंग है इजी है अगर आप इसको समझेंगे एक बार दोबारा देख सकते हैं नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ध्यान से कमला पैडल्स ए स्टेशनरी बाइसिकल द पैडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच टू ए हंड्रेड टर्न क्वेल ऑफ एरिया जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर स्क्वायर द क्वाइल रोटेट्स एट हाफ ए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द क्वाइल तो स्टूडेंट्स आप ये जो बाइसिकल यहां पे राइड कर रही है लेडी इसमें एक जनरेटर एक तरह से अटैच किया हुआ है जिसमें गिवन है हंड्रेड टर्नस हैं एरिया दिया हुआ है स्क्ल का 0.10 मीटर स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी दी हाफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मीन्स 0.5 रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशन पर सेकेंड यानी कि 0.5 पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड दिया स्टूडेंट बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन टेस्ला और ई नोट यहां पे इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कोल तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स स्टूडेंट इज इक्वल टू इंड्यूज डी एम एफ जो आपके जनरेटर में होता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और या आप कह सकते हो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी यानी कि ई नोट जो मैक्सिमम इंड्यूस ई एम एफ होता है दैट इज इक्वल टू एन बी एमेगा और वैल्यूज आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से अगर आप समझ के करोगे तो एन की वैल्यू हंड्रेड है स्टूडेंट्स बी वन है बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जीरो पॉइंट जीरो वन टेस्ला एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर स्क्वायर है आपकी का एरिया और ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट्स ओमेगा जो होता है टू पाई न्यू होता है आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू तो वैल्यू रख दीजिए टू इन टू थ्री पॉइंट वन फोर और न्यू आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव तो इस तरह से अगर आप वैल्यूज रखेंगे स्टूडेंट्स तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे और आप देखना यू विल गेट जीरो पॉइंट थ्री वन फोर वोल्ट तो दिस मच वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द जनरेटर अटैच टू द दाइसिकल तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए इंटरेस्टिंग है एक्साइटिंग है और समझ आने वाली चीजें हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट जब करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करेंगे तो जब हम स्विच को जस्ट क्लोज करते हैं व्हेन स्विच इज क्लोज तो आपकी सर्किट में करंट इंक्रीज होगी तो उस इंक्रीजिंग मोमेंट में जब आपकी करंट इंक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज हो रही है आपके सर्किट में तो आपके सर्किट में करंट इंक्रीज हो रही है तो इसको अपोज करने के लिए जो आपका इंडक्टर है करंट कैरिंग सोलेनोइड एक इंडक्टर हुआ और सोलेनोइड एक इंडक्टर हुआ तो ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है आपको पता है दैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस डी फाइ अपॉन डी टी तो स्टूडेंट मान लीजिए उस इंस्टेंट पे आई करंट है सर्किट में एट मान लीजिए एट टी इंस्टेंट इक्वल टू टी सर्किट में करंट है मान लीजिए इंड्यूस जो हुआ है इज़ e. तो उस केस में अगर हम बात करें द द वर्क डन टू फ्लो करंट फॉर डी टी टाइम इन द सर्किट विल बी गिवन बाई डी डब्ल्यू इज इकल टूटू डी क्यू ये आपको पता ही वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज तो डी क्यू चार्ज आप डी टी टाइम में फ्लो करा रहे सर्किट में टाइम की बात कर रहे हो आप बिटवीन टाइम टी टू टी प्लस डी में आपने डी क्यू चार्ज मान लीजिए सर्किट के अंदर फ्लो कराया बैटरी ने सोर्स ने तो आप लिख सकते हैं ई e और डी क्यू की जगह आप लिख सकते हैं उस इंस्टेंट पे करंट मान लीजिए आई है तो आई इन टू तो ये डी डब्ल्यू वर्क हुआ स्टूडेंट तो करंट सो बी गिवन बाई W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E I D T और आप करंट ले रहे हो इनक्रीज जो जीरो टू आई तो जीरो से आई करंट जब तक आपके सर्किट में इंड्यूस हो रही है तो कितना वर्क करेगा आपका सोर्स दैट विल बी गिवन बाय I D T और E की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू आई ई आपका आपको पता ही है एल डी आई अपॉन डी टी अगर हमसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और इन टू आई डी टी तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं जीरो टू आई डी टी से डी टी कैंसिल हुआ तो ये हुआ आपका एल बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है आई डी टी आई डी आई सॉरी आई डी आई तो स्टूडेंट जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल तो आपका इंटीग्रेशन आएगा आई स्क्वायर बाई टू और लिमिट हुआ जीरो टू आई तो आपके सर्किट में वर्क डन आपने किया जी वन बाई टू एल आई ये एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया तो दिस इज द टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्रॉम जीरो सर्किट तो इसका मतलब आई करंट अगर आपके सर्किट में फ्लो कर रही है तो आपके सर्किट में मैग्नेटिक पोटेंशियल यानी डन जो होगा आपके सिस्टम के द्वारा सोर्स के द्वारा दैट विल बी स्टोर्ड

तो दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर वैन आई स्टडी करंट इज फ्लो थ्रू इट तो ये देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से आप इसको समझेंगे इजी है इंटरेस्टिंग है एक्साइटिंग है आज के लिए इतना ही थैंक यू